न्यूज 19 में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में जगह मिलना लगभग तय हो गया है। सिंधिया ने मंगलवार सुबह उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। वो जैसे ही मंदिर से बाहर निकले भाजपा हाईकमान से फोन आ गया। इसके बाद सिंधिया ने आगे के कार्यक्रम निरस्त कर दिए। अब वे दोपहर 3:30 बजे इंदौर से दिल्ली रवाना होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत के मुसलमानों के साथ हिंदुत्व के रिश्ते के बयान ने वैचारिक गर्मी पैदा कर दी है। संघ में ही बहुत से लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इन लोगों का कहना है कि गुरुजी गोलवलकर के जमाने में हिंदुत्व को लेकर संघ की सोच इससे अलग रही थी। दरअसल विवाद की जड़ में संघ प्रमुख डॉक्टर भागवत का रविवार को गाजियाबाद में ये बयान देना कि जिसमें उन्होंने कहा कि यदि कोई हिंदू कहता है कि मुसलमान यह नहीं रह सकता तो वो हिंदू नहीं है। गाय एक पवित्र जानवर है, लेकिन जो इसके नाम पर दूसरों को मार रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है। ऐसे मामलों में कानून को अपना काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी भारतीयों का DNA एक है। राज्यपाल कलराज मिश्र की जीवनी पर हुए विवाद के बाद राजभवन ने पूरे मामले में एक्शन लिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूरे विवाद पर नाराजगी जाहिर करते हुए दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने बिना ऑर्डर विश्वविद्यालयों को जीवनी के 1919 किताबों के 68,000 रुपए के बिल थमाने पर नाराजगी जताई है। राज्यपाल के निर्देशों के बाद अब किताब प्रकाशक और लेखक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में 2,14,27,772 को पहली डोज और 4,38,1788 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। 18 से 14 वर्ष के आयु वाले लोगों को 7,79,000 के करीब पहली डोज और 1,13,373 को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। लेकिन अब केंद्र से वैक्सीन की खेप नहीं आने के कारण दोनों आयु वर्ग में वैक्सीन का काम नहीं हो पा रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर बुधवार शाम करीब 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। इसके अलावा इस बैठक में रखे जाने वाले बिलों के प्रारूप का अनुमोदन हो सकता है। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रिश्वतखोरी पर जमकर काम कर रहा है। इस बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की गड़बड़ झाला सामने आया है। दरअसल जोधपुर में ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर एक थाना अधिकारी को फर्जी तरीके से ट्रैप करने का आरोप लगा है। दिलचस्प बात यह है कि ACB की जांच में थानेदार को क्लीन चिट दे दी गई। दूसरी तरफ थानेदार ने गृह विभाग में शिकायत की तो जांच अधिकारी को चार्जशीट दी गई है। 21 जून 2019 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र चौधरी रातानाड़ा थाने में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसके बाद ये पूरा बवाल सामने आया है। राजस्थान के चूरू में इंस्टाग्राम पर 21 वर्षीय युवती की फर्जी आईडी बनाकर निजी फोटो अपलोड करने की धमकी देकर ब्लैकमेल और उसकी छोटी बहन से दुष्कर्म की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ IPC और IT एक्ट में मामला दर्ज किया है। महिला थाना अधिकारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि 21 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो अपने घर में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती है, पिता दूसरे शहर में काम करता है। नरेगा कार्यों में 8 मानकों पर ग्रेड दी जाती है। रोजगार देने के मामले में बाड़मेर और राजसमंद को संयुक्त रूप से पहली रैंक मिली है, जबकि सबसे अधिक लोगों को कार्य देने में लगातार 100 दिन का रोजगार देने में राजसमंद प्रदेश में पहला पायदान पर है। AIMIM प्रमुख अशरुद्दीन ओवैसी के UP विधानसभा चुनाव में BJP को सत्तार से बाहर करने की चुनौती के बाद सियासत तेज हो गई है। CM योगी आदित्यनाथ की चुनौती को स्वीकार करते हुए फिर से सरकार बनाने का भरोसा दिया है। तो गोरखपुर से BJP सांसद रवि किशन ने कहा कि छू के दिखाओ महाराज जी को, हैदराबाद उड़ के जाओगे, वे 2.5 घंटे आरती करने वाले सन्यासी हैं। पीड़ित महिला सिपाही वैशाली ने बताया कि वह अकेली महिला सिपाही नहीं है जो प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मीणा से परेशान है। पिछले 1 महीने में राजेश कुमार मीणा कोतवाली में तैनात सभी महिला सिपाहियों को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसके बाद वैशाली ने सुसाइड जैसा कदम उठाया। खबरें फटाफट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 19।